बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द मैथ वर्ल्ड। मैथ वर्ल्ड में खुश आमदीद। आज हम आपके सामने एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर आप पहली दफ़ा चैनल पर आए हैं, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। आइए अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमने मैथमेटिकल इंडक्शन की प्रिंसिपल को यूज़ करना है। जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन किया है जिसमें अरिथमेटिक मीन था, और इसके अंदर देखें तो ये हमारे पास जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर आ रहा है। जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है। मैंने पहले क्वेश्चन में आप लोगों को बताया था कि इसमें लिखा हुआ था एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और उसका फार्मूला जनरल फार्मूला होता था ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। लेकिन ये जो है हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो भी हमारे पास इसी फॉर्म में होता है, ए एन इज इक्वल टू ए वन इंटू आर की पावर एन माइनस वन। अच्छा, क्वेश्चन ये पैदा होता है कि आर कैसे निकालते हैं। इसका आर निकालने के लिए हम आर ए टू सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म के ऊपर डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास ए वन आर जो है वो हासिल हो जाता है। इसे हम कॉमन रेशो कहते हैं, और ए पी के अंदर कॉमन डिफरेंस होता था। आइए आप हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का मतलब है कि हमने इसके ऊपर टू कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड करनी है। पहली कंडीशन, आइए अब हम शुरू करते हैं। कंडीशन नंबर वन है, जी फॉर एन इज इक्वल टू वन, एन की जगह हमने वन को रिप्लेस कर देना है। जहाँ हमें लेफ्ट हैंड साइड में एन नज़र आएगा वहाँ हमने एन लगा देना है, और राइट हैंड साइड में जहाँ पूरी टर्म है पूरी के पूरी टर्म को हमने उठा लेना है और उसकी वैल्यूज जो है एन की जगह वन रख देना है। ये बन जाएगा ए वन इंटू वन आर की पावर वन माइनस वन। आर की पावर जीरो क्या होता है? वन होता है। एनी क्वेश्चन? किसी भी हिंसे की जो पावर जीरो होती है वो बेसिकली हमारे पास वन होता है, यानी एक्स की पावर जीरो जो है वो भी वन होता है। एक बच्चे ने पूछा कि सर एक्स की पावर जीरो जो है ये वन क्यों होता है? मैंने कहा बेटा देखें, एक्स को जब एक्स पे मैं डिवाइड कर देता हूँ तो क्या मैं इसको वन लिख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर लिख सकते हैं तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स की पावर वन है और इसकी पावर माइनस वन है, और इधर हमारे पास क्या है? वन है। इसका मतलब एक्स की अगर पावर जीरो हो तो इधर तो मैंने वन लिखा था, इसका मतलब एक्स की जगह कोई भी नंबर आ जाए जिसकी पावर जीरो वो वन के इक्वल ही होता है। यहाँ पे हमने देखा ए वन जो है ए वन के बराबर आ गया, इस तरह हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो प्रूव होगी। दस कंडीशन सी वन जो है वो सेटिस्फाइड हो चुकी है, वो ट्रू हो चुकी है। अब हमने इससे कंडीशन टू जो है वो सेटिस्फाइड करनी है। कंडीशन टू को सेटिस्फाइड करने के लिए हमारे पास बेसिक रूल होता है कि हम एस ऑफ एन को के बराबर रखते हैं, फिर उस के को रिप्लेस कर देते हैं के प्लस वन से। सपोज दैट द स्टेटमेंट एस ऑफ एन इज ट्रू। अच्छा, क्वेश्चन ये पैदा होता है एक्स ऑफ एन क्या चीज़ है? एस ऑफ एन का मतलब ये है कि वो जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस पूरी स्टेटमेंट को आप एस ऑफ एन के बराबर रखेंगे। फॉर एन इज इक्वल टू ए वेयर के बिलोंग टू द पॉज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं। यहाँ हम पॉजिटिव नंबर रख सकते हैं, कोई नेगेटिव नंबर बिल्कुल भी नहीं रख सकते। तो इस तरह ये हमारे पास बन जाएगा दस एन इज रिप्लेस बाई के, देयर फोर एन की जगह हम के को रिप्लेस कर देंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन वन, ए के इज इक्वल टू ए वन आर की पावर के माइनस वन। इस तरह नाउ वी विल हैव टू प्रूव फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन। अब इसी इक्वेशन को हमने इक्वेशन नंबर टू में तब्दील करना है। जब एन की रिप्लेसमेंट की थी के साथ, पहले जो एन था उसकी हमने रिप्लेसमेंट कर दी थी के साथ और इक्वेशन नंबर वन बनी थी। अब इसी तरह इस इक्वेशन को मैंने रिप्लेस कर देना है के प्लस वन के साथ, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर टू बन जाएगी। के प्लस वन के साथ जब मैं इसको रिप्लेस करूंगा तो इक्वेशन नंबर टू बन जाएगी। इस तरह ये बन जाएगा ए एस ऑफ के प्लस वन इज इक्वल टू ए के प्लस वन इज ए वन आर की पावर के प्लस वन प्लस वन। ये प्लस वन और ये माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब हमारे पास जो इक्वेशन नंबर टू है वो बनेगी ए वन ए के प्लस वन इज इक्वल टू ए वन आर की पावर के। इसके लिए हमारे पास इन द लेफ्ट हैंड साइड वी राइट द प्रीवियस वैल्यू ऑफ के। इसका मतलब हमने एक फार्मूला लिखा था ए टू जो है बराबर होता है ए वन आर। हमें कैसे पता चला? क्यों? ये हमारे पास फार्मूला होता है इसका जनरल, ए एन बराबर होता है ए वन इंटू आर की पावर एन माइनस वन। अगर इसी तरह एन की जगह मैं वन लिखता हूँ तो ये एन की जगह वन टू लिखता हूँ तो ये बन जाएगा हमारे पास ए टू। तो इधर क्या बन जाएगा? ए वन इंटू आर की पावर टू माइनस वन यानी वन, यानी ए वन बन जाएगा। अगर एन की जगह मैं थ्री रखता हूँ तो ये बन जाएगा ए थ्री ए टू,
यानी ये पूरी टर्म जो है बेसिकली मैं इसे लिख सकता हूँ ए टू जनरल टर्म में अगर देखें, ये ए वन ही है, जनरल टर्म में अगर देखूँ तो हमारे पास ए टू की जो वैल्यू है वो बेसिकली हमारे पास ए वन इंटू आर की पावर एन माइनस वन है, यानी ए वन आर की पावर वन है। अगर ए थ्री लिखूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए वन आर की पावर टू, आर की पावर टू को ए वन आर इंटू आर लिख सकता हूँ, यानी ये वाली जो वैल्यू है इसे मैं ए टू कह सकता हूँ, यानी ये ए टू आर बन जाएगा, डेफिनेटली ए टू उसने आर लिखा। इसी तरह ए के प्लस वन जनरल टर्म की तरफ जाएं तो ए के प्लस वन ए के आर, अब देखना ये ए के जो है ये तो हमारे पास इक्वेशन नंबर वन की जो साइड है वो बन पड़ी बनी हुई है, ये देखें ए के की वैल्यू हमारे पास ये हासिल होगी, इसका मतलब इसकी जगह पे मैं ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, इस तरह ये बन जाएगा ए के इंटू आर, ए के की वैल्यू बाई वन, इक्वेशन नंबर वन वन को यूज़ करते हुए ए वन के की पावर माइन आर की पावर के माइनस वन इंटू आर, इसे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बन जाएगा ए वन आर की पावर के प्लस वन माइनस वन, ये प्लस वन और माइनस वन कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा ए वन आर की पावर के। गौर करें तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर टू जो है उसकी राइट हैंड साइड नहीं बन गई, हाँ डेफिनेटली बन गई, इसका मतलब हमने कंडीशन टू जो है वो सेटिस्फाइड कर ली है, एस ऑफ के इज टू सी टू इज सेटिस्फाइड, इसका मतलब कंडीशन टू सेटिस्फाइड हो गई है, फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन, इसका मतलब है हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन। तो इस तरह आपने इस क्वेश्चन को कंप्लीट प्रूव किया है, अगर आपको समझ आ चुकी है तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो जो है उसके अंदर जो भी आपकी परेशानी हो वो दूर की जा सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।